हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि पिछले ट्यूटोरियल में जो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट देखा, जिसमें हम लोगों ने हर एक पॉइंट देखा, उसका हम लोग प्रैक्टिकल एक्चुअली यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ इसको सेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यूज़र डिफाइंड पैकेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र डिफाइंड पैकेज क्रिएट करने का जो सिंटैक्स हुआ ये है कि पैकेज आप लिखते हैं, उसके बाद आप पैकेज का नाम लिखते हैं। तो पैकेज का नाम हमारे पास यहाँ है माई पैक। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि नेट पिंस में आप कैसे पैकेज क्रिएट कर सकते हैं इजीली, या फिर अगर जो लोग नोटपैड में टाइप करते हैं वो लोग कैसे पैकेज क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल सिर्फ इतना जाने कि उसके अंदर आप कोड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैकेज, जो एक अलग तरह का चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट होगा कि आप फाइल को कहाँ सेव करेंगे, नोटपैड में कैसे आप नोटपैड में उसको सेव कहाँ करेंगे, मतलब फाइल को आप कहाँ सेव करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। पैकेज मैंने लिखा एक माई पैक नाम का मेरा पैकेज। ठीक है, सेमी कोलन दिया आपने, इसको बंद किया। ठीक है, ये पैकेज क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अब हम लोग पॉइंट्स में आते हैं, एक एक पॉइंट्स में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, देयर, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देयर मस्ट बी नॉट मोर देन वन पब्लिक क्लास पर फाइल। यहाँ आप क्लास जितनी मर्जी बनाइए, आप क्लास बनाइए क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 बनाइए, इसके अंदर आप कोड लिखना है लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्लास ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक होगा और उसी क्लास के नाम से आप इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, एक क्लास ऐसा होगा जो पब्लिक होगा और इसी क्लास के नाम से आप इस फाइल को सेव करेंगे। ये जो फाइल है आपका, इस फाइल को आप उसी नाम से सेव करेंगे। ठीक है, और सिर्फ एक क्लास ही पब्लिक हो सकता है इस पूरे पैकेज में, सिर्फ एक क्लास ही पब्लिक हो सकता है। आप यहाँ इसको भी पब्लिक नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप इसको पब्लिक बनाएंगे तो आपको एरर मिलेगा और फिर प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। पब्लिक क्या करता है यहाँ, ये हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप अभी देखना चाहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का वीडियो, तो यहाँ जो आपको लिंक दिया गया है, फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, मतलब ज़्यादा आप समझना चाहते हैं, तो आप अभी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो पॉइंट था हमारा कि आप एक फाइल में, ये हमारा पहला फाइल है, तो इस फाइल में आप एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हैं और जिसको आप पब्लिक क्लास बनाते हैं उसी क्लास के नेम से आप इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने सेव किया, जैसे आप देख पा रहे हो, dell.java के नाम से। ये नेट बिन से इसको, ये पहले हम लोग सेव कर रहे हैं, सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आपको बता दूंगा कि नेट बिन्स में कैसे आप पैकेज क्रिएट करते हैं, कैसे आप सेव करते हैं, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ आपको बस इतना जानना है कि आप जब इसको सेव करेंगे तो पब्लिक जिस क्लास को आपने बनाया उसी क्लास के नाम से इसको आप सेव करेंगे। ठीक है, अब सेकंड दूसरा पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट भी आई थिंक हमारा कवर हो गया कि ऑल फाइल इन द पैकेज मस्ट बी नेम्ड क्लास नेम डॉट जावा, वेयर क्लास नेम इज द नेम ऑफ द सिंगल पब्लिक क्लास इन द फाइल। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा गया, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन ईच फाइल इन द पैकेज बिफोर एनी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स और एनी थिंग पुट द स्टेटमेंट पैकेज पैकेज नेम। उसका मतलब क्या होता है, उस लाइन का मतलब उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले ये लिखना है, इसके नीचे आप कोड लिखिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले, सबसे ऊपर में लाइन नंबर 1 में आपको यही लिखना है। इसके नीचे अगर आप कोई इम्पोर्ट करते हैं, हालांकि मैंने आपको इम्पोर्ट अभी बताया नहीं है, बट अगर आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट सबसे ऊपर होता है, लेकिन जब आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं और साथ में आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैकेज वाले को ऊपर में लिखना है, उसके नीचे आपको इंपोर्ट लिखना है। ठीक है, जब आप पैकेज नहीं क्रिएट करते हैं तो इंपोर्ट को सबसे ऊपर लिखा जाता है लाइन नंबर 1 में, लेकिन जब आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं और साथ में आप इंपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो पैकेज वाले को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे आप इंपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा, पैकेज नेम शुड बी यूनिक। सो दो पैकेज नाम एक साथ, मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके ओके, ये पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, डायरेक्टरी नेम मस्ट एक्जैक्टली मैच द पैकेज नेम। इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग देखते हैं, और ये जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बिकॉज ये अलग कॉन्सेप्ट है,
इसका एक पूरा एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा तभी ये हमें समझ में आएगा, ठीक है। जिसको देखें, डायरेक्टली नेम मस्ट एग्जैक्टली मैच द पैकेज नेम, इसका मतलब क्या होता है, आपने ये पैकेज बनाया, इस पैकेज का नाम आपने रखा है माई पैक, तो जहाँ आप इस फाइल को सेव करेंगे वह एक ऐसे डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए जिस डायरेक्टरी का नाम माई पैक होगा, यानी कि इस पैकेज का जो नाम है वही उस डायरेक्टरी का नाम होगा, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर का नाम होगा, और उस फोल्डर के अंदर आप इस फाइल को सेव करेंगे, यानी कि डेल डॉट जावा को आप सेव करेंगे माई पैक नाम के फोल्डर के अंदर, और वह फोल्डर कहाँ होना चाहिए, वह फोल्डर उस जगह होना चाहिए जहाँ आपका मेन मेथड होगा, ठीक है, जहाँ आप इस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। यह भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हम लोग ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना जानिए कि आप जब इस फाइल को सेव करते हैं तब को एक ऐसे फोल्डर के अंदर सेव करना है जिस फोल्डर का नाम इस पैकेज के नाम के जैसा होगा या इस पैकेज का नाम ही होगा, ठीक है, और वह फोल्डर उस जगह पर क्रिएट होना चाहिए जहाँ आपका मेन मेथड है, ठीक है। ओके, सो यही है, और तो कुछ है नहीं फिलहाल इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।